बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। इसी बीच मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि हत्या है। उमर अंसारी ने पिता का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से करवाने की अपील की है। उमर ने कहा है कि हमें यहाँ के लोगों पर विश्वास नहीं है, हमारी अपील पर डीएम साहब को फैसला करना है। पिता की मौत के बाद बेटे उमर अंसारी ने कहा है कि अल्लाह ही जिंदगी और मौत का मालिक है, हमें न्यायपालिका से उम्मीद है कि इसकी जांच हो क्योंकि ये मौत नहीं हत्या है। इससे पहले भी उमर और उसके परिवार के लोगों ने मुख्तार को धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। अब उमर अंसारी ने बांदा के डीएम को चिट्ठी लिखकर अपने पिता के शव का पोस्टमार्टम दोबारा करने की याचिका दी है। हालांकि बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार का पोस्टमार्टम हो चुका है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मौत मामले की न्यायिक जांच होगी, बांदा के सीजेएम न्यायिक जांच करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के विवादित मामलों में न्यायिक जांच कराने का नियम है, इसीलिए मुख्तार का परिवार भी न्यायिक जाँच की मांग कर रहा है। सीजेएम एमएमएलए कोर्ट की गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, उन्हें एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उनके भाई सिबकतुल्ला अंसारी ने भी कहा है कि मुख्तार बताता रहा कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ये सब साजिश से हुआ है, ये एक जघन्य घटना है, हमें ऊपर वाले पर भरोसा है कि वो बदला लेगा, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, जेल में कोई सुरक्षित नहीं, कोर्ट को संज्ञान लेकर घटना की जांच करनी चाहिए। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद प्रदेश के कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं, बांदा से लेकर गाजीपुर मऊ तक में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी उतारा गया है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।